तो फ्रेंड देखिए, हमें ना यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है अलमारी, और साथ ही साथ यहाँ देखिए टाइल्स, देखिए कितना चमक रहा है टाइल्स। और बेड देखिए, अभी सुबह का टाइम है तो ये बेड तैयार नहीं है। और फ्रेंड देखिए, ये कोई स्टेशन नहीं बल्कि महल लग रहा है हमें, महल बहुत ही बड़ा स्टेशन है। मजा आया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से आपका भाई हाजिर हो गया है हर बार की तरह, इस बार भी एक बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। आप जानते हैं कहाँ का ब्लॉग है, तो लगातार अभी बनारस का ब्लॉग चल रहा है, तो इसीलिए मैं वाराणसी जंक्शन के बाद अब जो लेकर आया हूँ कहाँ का, तो जस्ट हमारे सामने देख रहे हैं बनारस। जी हाँ, हमारे सामने बनारस का जो ये रेलवे स्टेशन है, और देख रहे हैं आई लव बनारस, तिरंगा लहराता हुआ। या काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है यूपी के बनारस का। मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बनारस हो या फिर वाराणसी जंक्शन हो या वाराणसी सिटी हो या फिर काशी हो, जहां तक जहां का भी होगा मैं हर जगह का सस्ते होटल का ब्लॉग दूंगा। तो ये जो बनारस रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ भी मेनली बहुत सारे ट्रेनें यहाँ से खुलती है दिल्ली के लिए, और भी बहुत सारे पवन एक्सप्रेस हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रेन मेनली ट्रेन है जो लॉन्ग जर्नी की ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं, तो इसलिए लोग यहाँ बहुत आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पर एक सस्ते होटल का ब्लॉग दिया जाऊँ। तो मैं अभी यहाँ का एक ब्लॉग दे रहा हूँ क्या, कि अगर आप रेलवे स्टेशन के ही पास रुकना चाहते हैं तो एसी, नॉन एसी, डोमेट्री रूम और सिंगल बेड, डबल बेड सब आपको यहीं मिल जाएगा, वो भी काफ़ी लोवेस्ट प्राइस में। तो मैंने सोचा चलिए इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि यहाँ कैसे स्टे करना है, ऑफलाइन होता है बुकिंग की नहीं होता है या सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप अगर बनारस आ रहे हैं और यहाँ पे बनारस में रेलवे स्टेशन पर स्टे करना चाहते हैं, तो सारी जो भी फॉर्मेलिटी है मैं सब आपको बताता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए मैं चलता हूँ, और सारे जो कैसा डोमेट्री रूम है, कैसा रूम है, सब मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और हाँ, मैं बता दूँ ये जो रूम है या डोमेट्री रूम कुछ भी अवेलेबल के लिए आपको एक नंबर पे नहीं मिलने वाला है, आपको आना है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। जी हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ये डोमेट्री रूम या रूम कुछ भी मिलने वाला है, तो एक नंबर पर मत खोजिएगा, सीधा 8 पे आ जाइएगा और खोजिएगा। चलिए बिना देरी के चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। फिर मैं बता दूं कि मैं फाइनली मैं अंदर आ चुका हूं, और मैं भी चलूंगा ऊपर, सब दिखा दूंगा। तो मैं बता दूं कि कुछ यहां ठहरने के लिए कुछ नियम कानून हैं, कुछ कानून जो है, कुछ जो रूल है वो चेंज हो चुका है। मैं वो भी बता दूंगा क्या रूल है, क्या चेंज हो चुका है, मैं सब बताऊँगा। चलिए पहले रूम देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड चलिए हम चलते हैं अपने रूम में और आपको पूरा डिटेल से जानकारी देते हैं। चलिए तो फ्रेंड देखिए, फाइनली जो रहा ना, हम अपने रूम में आ चुके हैं, डोमेट्री रूम में। देखिए क्या चकाचक साफ है, टाइल्स देखिए कितना चमक रहा है। और बेड में फिर बता दूँ, सुबह का टाइम है ना, इसलिए अभी ये एडजस्ट नहीं किया गया है। मैं सुबह सुबह आ गया था, तो फिर जैसे जैसे यहाँ पर होगा आपको मतलब कि सब दिखेगा साफ एकदम जब आप आएंगे। तो चलिए देखिए, बेड आप जो देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके का डोमेट्री बेड दिख रहा है, लाइन से बेड आपको रखा हुआ मिल रहा है, इस तरफ भी है और आगे भी है। हमें ये अलमीरा भी देखने को मिला है, जिससे आपका सामान सेफ रहे, आपको सामान कहीं भी रखने की टेंशन नहीं है। चलिए मैं बेड दिखाता हूँ कि बेड यहाँ का कैसा है। देखिए फ्रेंड, मैं फाइनली बेड अगर जब मैं टच करता हूँ ना, तो बहुत ही स्पंशियल है, और हमें एक कंबल मिल रहा है, तकिया मिल रहा है, और बहुत ही मतलब कि जितना बोला जाए ना, 350 रुपये में एसी बेड, आपको और क्या चाहिए, पंखा वगैरह सारा चीज़ है यहाँ पर, एसी भी है। जी हाँ, ये पूरा 350 रुपये में आपको एसी मिल रहा है। और बात की जाए अगर यहाँ के बाथरूम की ना, तो देखिए मैंने बाथरूम देखा है, बहुत ही चकाचक बाथरूम है। देखिए यहाँ वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। इंडियन बाथरूम भी है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम क्या है, मुझे पता चला कि है, इसलिए मैं देखता हूँ कि बगल में लाइन से बाथरूम है। यहाँ भी देखिए वेस्टर्न बाथरूम है। तो फिर मैं बता दूँ कि रूल क्या था, तो रूल ये है कि अगर डोमेट्री रूम नॉन एसी लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डोमेट्री नॉन एसी लिखा हुआ है, लेकिन अब उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जो मिनिमम चार्ज लगने वाला है वो एसी का लगने वाला है और एसी ही मिलने वाला है। दूसरा ये है कि अगर आप सोच रहे हैं जनरल टिकट लेके हम यहाँ रुक जाएँ, तो अलाउ नहीं है, चाहे वो रिजर्वेशन टिकट आज का हो, कल का हो या परसों का, तो ही मिलने वाला है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये ट्रैवलर वगैरह के लिए ये वीडियो था। मैं कोशिश करूँगा कि बनारस में कहीं इसके साथ में कोई अगर मिल जाए तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।